जो डेंटिस्ट एक्ट 1948 में बनाया गया था भारत में आजादी के तुरंत बाद, उस डेंटिस्ट बिल में कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए मैंने ये अमेंडमेंट मूव किया है। ये डेंटिस्ट एक्ट 1948 जब बनाया गया था उस समय देश में केवल 3 डेंटल कॉलेजेस थे और इस डेंटिस्ट एक्ट के माध्यम से ही देश के अंदर पहली डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के मूलभूत कुछ जिम्मेदारियां थी, जैसे डेंटल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, डेंटल एजुकेशन को रेगुलेट करना, डेंटल एथिक्स को रेगुलेट करना, इसी तरह से जो डेंटिस्ट की ट्रेनिंग के लिए करिकुलम को बनाना, जो हाइजीनिस्ट होते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक्स इनके लिए करिकुलम बनाना, नए कॉलेजेस की अगर जरूरत है तो उनको खोलने के लिए रिकमेंडेशंस करना, और इसी तरह से जो हायर कोर्सेज होते हैं जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स होता है उसको BDS बोलते हैं, ऐसे हायर कोर्सेज होते हैं MDS डिप्लोमा कोर्सेज उनको प्रारंभ करने की अनुमति देना, और साथ साथ जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाना, और साथ साथ जो बाहर के विदेश की डिग्री लेकर लोग आते हैं उनकी डिग्रियों को भारत के अंदर क्या रिकॉग्निशन डेंटल के फील्ड में दिया जा सकता है कि नहीं, ये उसके मूल उस समय प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब पहली बार बनी तो उसने देश के अंदर उस समय जितने भी डेंटल सर्जन्स थे दांत के चिकित्सक उनका एक रजिस्टर बनाया और उस रजिस्टर को इंडियन डेंटिस्ट रजिस्टर कहते हैं, जिसमें कि सभी स्टेट रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट के अंदर सब प्रकार की एंट्रीज होती थी। उसके रजिस्टर के 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। उस समय देश में जो कुछ क्वालिफाइड डेंटिस्ट थे जैसे BDS, MDS या डिप्लोमा होल्डर्स उनको उस पार्ट ए के अंदर रजिस्टर के अंदर रखा गया, और इसी प्रकार से जो क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस समय देश में केवल 3 डेंटल कॉलेजेस थे, दांत के चिकित्सकों की कमी थी, बहुत सारे भारत में लोग पार्टीशन के कारण यहां पर आए, कुछ बांग्लादेश या बाद में रिपैट्रिएट हुए सिलोन से बर्मा से, ये ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास औपचारिक डिग्री नहीं थी लेकिन अपनी रोजी रोटी और अपना एक प्रकार से गुजर बसर करने के लिए वो दंत चिकित्सा की प्रैक्टिस करते थे और 5 साल से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, उनको भी उस समय 1948 के अंदर उस रजिस्टर के पार्ट बी के अंदर उनको रखा गया। और जो ये डेंटिस्ट एक्ट 1948 बनाया गया इसमें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया के लिए भारत के लिए जो भारत सरकार की तरफ से जो नेशनल काउंसिल थी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया उसके अंदर 6 नॉमिनेशंस भारत सरकार किया करती थी, इसी तरह से जो स्टेट की जो होती थी उसमें भी नॉमिनेशन होते थे और एक ऐसे जॉइंट स्टेट डेंटल काउंसिल की कल्पना की गई कि जहां 2 स्टेट्स मिलकर अपनी
डेंटल काउंसिल बना ले, और उसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि जो भारत सरकार नॉमिनेशंस करती थी उसमें रजिस्टर के पार्ट ए से जो है चार लोग और रजिस्टर के पार्ट बी से दो डेंटल सर्जन इस प्रकार से रखे जाते थे। इसी प्रकार से जो स्टेट की जो डेंटल काउंसिल्स होती थी उसमें पार्ट बी से चार लोग होते थे और पार्ट ए से दो होते थे, और इसी तरह से जो जॉइंट जो स्टेट डेंटल काउंसिल्स होती थी उसमें दो लोग जो है इस पार्ट बी से हुआ करते थे। अभी समय के साथ क्या हुआ है कि एक तो इस पार्ट बी के रजिस्टर के अंदर जो लोग हैं लोग थे वो या तो वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर या मोस्टली पुडुचेरी, ये इतने जगह के लोग उसके अंदर हुआ करते थे। 1972 के बाद कोई भी पार्ट बी के अंदर कोई भी डॉक्टर जो है उसके अंदर रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि वो सब बहुत पुराने उस जमाने के डॉक्टर्स थे। और इसमें 28 मार्च 1948 से पहले पहले के जो लोग थे वो उस समय रजिस्टर हुए, और बाद में जो लोग अप्रैल 1957 से लेकर और मार्च 1972 के बीच में, ये बांग्लादेश का जो वॉर हुआ उसके बीच में भी कुछ लोग जो रिपैट्रिएट हुए जो वो भी इसके अंदर शामिल थे उस पार्ट बी में। अभी आज विषय ये है कि जो पार्ट ए है रजिस्टर का उसमें लगभग 2,70,000 डॉक्टर्स का उसमें नाम है, और इसी तरह से जो पार्ट बी है उसमें केवल 979 डॉक्टर्स का उस लिस्ट के अंदर नाम है। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो ये केवल 0.4% के करीब जो है होता है, लेकिन जो कानून उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया 1948 में उसमें पार्ट बी के जो डॉक्टर्स थे उनके लिए 33% रिजर्वेशन यानी मैंडेटरी प्रोविजन था वो कि चार ए रजिस्टर से रखे जाएंगे, दो लोग जो है बी रजिस्टर से रखे जाएंगे। हमारी सरकार जब से 2014 में हमने सरकार में काम करना शुरू किया, मुझे ध्यान है कि हमारी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को ये कहा था कि देश में जितने भी कानून हैं उनका हम अध्ययन करें, और उनमें जो ऐसे कानून हैं जो शायद आज समय के साथ उनका रेलेवेंस कम हो गया है या रेलेवेंस खत्म हो गया है, या वो समय ने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो पीपल फ्रेंडली नहीं है, उनकी आज उपयोगिता नहीं है, या शायद वो कानून लोगों का एक प्रकार से लोगों को तकलीफ देने के अंदर या किसी तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करने में जो है सहायक होते हैं, कोई इंस्पेक्टर आज को प्रमोट करते हैं। तो उस समय उन्होंने पहले कैबिनेट के अंदर हम लोगों को पहली या दूसरी कैबिनेट में सबको कहा था कि आप सब लोग अपने अपने यहाँ डिपार्टमेंट्स में वो वाले कानूनों को स्टडी करिए, और जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग इस पार्लियामेंट में लाकर जो है उन कानूनों को। और आज मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4-5 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जहां तक मैं जानता हूं लगभग 1,500 से ज्यादा कानून जो है भारत सरकार ने उनको एक प्रकार से डस्टबिन का रास्ता दिखाया है, और 100-125 के करीब जो है, 100 का नंबर तो बहुत पहले हो गया था, अभी एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं कह सकता कितना, लेकिन इट मस्ट बी समवेयर बिटवीन 100 एंड 125, इतने नए कानून जो है एकदम मॉडर्न लेजिस्लेशन, और पुराने कानूनों में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स ये पिछले जो है 5 साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, यानी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको जितना मैक्सिमम रेशनलाइज किया जा सकता था, या उसमें जो रिडंडेंसी जो है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया हो सकती थी, उस सोच के साथ ये जो अभी आज का जो ये अमेंडमेंट है इसमें 3 सेक्शंस के अंदर ये अमेंडमेंट है, और इसमें सिर्फ जो एक मैंडेटरी क्लॉज है कि पार्ट बी में से भी आपको जरूर रखना है, सिर्फ उस मैंडेटरी क्लॉज को
पार्ट बी में से भी कोई आ सकता है, पार्ट ए में से भी आ सकता है, लेकिन वो शायद डिसप्रोपोर्शनल है। और जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर है, जो 2,70,000 जिनकी दंत चिकित्सकों की संख्या है, वो अगर फेयरली रिप्रेजेंट होते हैं उसमें अपनी जो रेशो के हिसाब से, तो शायद जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, डेंटल एथिक्स और सारे एजुकेशन को रेगुलेट करने का, तो शायद वो रिप्रेजेंटेशन, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ऐसा सरकार की सोच है। ऐसा जो है इसको जो पिछले समय में बनाया गया था यहां पर, संभवतः दिसंबर 2018 में इस लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी किया गया, लेकिन समाव ये उस समय टेकअप नहीं हो पाया, और इसलिए दोबारा से सरकार इसको कैबिनेट में पास करने के बाद दोबारा से यहां पर लेके आई है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत सिंपल सा विषय है और टोटली रेशनल विषय है, और एकदम ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको जो है किया गया है। तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये अनुरोध है कि आप इसके ऊपर जो भी अपना विचार रखना चाहे रखें, और इसको अगर आप सर्वसम्मति से इसको पास करेंगे तो आई थिंक इट विल गिव मोर सेंस टू दिस अमेंडमेंट।